नहीं सर, माजरत है, आपने खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा जी, बड़ा एप्रिशिएबल है सर, अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, करम अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी मैं ना YouTube का ट्रेंडिंग देख रहा था तो उसके टॉप पे आ रहे ग्रूव, मेरा जो पीसल का नया था, मैं मुझे तो शदीद पसंद आया, बट लोग फिगर हो गए, पता नहीं क्या बना दिया, बट उसका जो नीचे सेकंड नंबर पे ट्रेंडिंग पे आ रहा है वो आ रहा है नोरा फाती का नया गाना, और उस पर वो जिस मुश्किल और अजियत से वो कोयलों पर चढ़ी है, आग पर चली है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उसको सेहत और ज़िंदगी दे। एवरी वन एटलीस्ट यूजेस यूट्यूब, जो बंदा भी फ़ोन पे 3G 4G इस्तेमाल कर रहा है वो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, एंड व्हेन यू सी के जब लाखों करोड़ों लोग जो 3G 4G यूज़र्स हैं वो यूट्यूब पे जाते हैं, गाने देखते हैं, फिल्में देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को नहीं देखता, गिनती के लोग देखते हैं, बट जो भी कंज्यूम करते हैं, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, अजीब व गरीब किस्म की, या तो कोई बड़ी ही अल्लाह माफ़ करे तो बस तक फार इंडिया के अजीब व गरीब शॉर्ट फिल्म आ रही होती हैं जिसमें पता नहीं घर के मसाइल दिखा रहे होते हैं, या तो साथ साथ आपको कोई फ़नी ह्यूमरस सटायर यू नो ट्रोलिंग की वीडियोज़ आ रही होंगी। जब मैं व्हेन आई यूज़ टू बी एट स्कूल, जब मैं हम लोग पिंडी में रहते थे, हमारा एक बड़ा प्यारा सा असली में फ्लैट था, वहाँ पे हम रहते थे, बट हम देखते थे मोस्टली कार्टून्स, एंड आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद कार्टून्स, और मेरी पसंदीदा जो कार्टून्स थे उसमें था जी के, एक तो मैं डेक्सटर देखता था और एक मैं जिमी न्यूट्रॉन देखता था, एंड आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड कि मेरा दिल करता था कि बड़े होकर मैं साइंटिस्ट बनूंगा, हालांकि पढ़ाई में शदीद नालायक था, बट आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट। खैर साइंटिस्ट तो नहीं बन सके, चाय बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये भी अच्छा कारोबार है, तिजारत कर रहे हैं। Anything you see, it leaves an impact on your life. और हमारे वक्तों में इतने बेहतरीन ड्रामे वो करते थे, सुनहरे दिन आ रहे हैं, अल्फा बाबा चार्ली आ रहे हैं, तारिक जी साहब का शो देखते थे और वहाँ पे हम कुछ नॉलेज गेन करते थे, देर वॉज ऑलवेज समथिंग ऑन टीवी जो हम शाम में देख रहे हैं और कार्टून्स चल रहे हैं साथ साथ। अगर कभी इतफाकन मुझे कमरे से बाहर जाना पड़ जाए टीवी लॉन्च पे और वालदा मेरी टीवी देख रही हूँ, ड्रामे देख रही हूँ, तो बड़ी हैरानगी होती है। अब पता नहीं अजीब व गरीब सिस्टम है, कोई देवर अपनी भाभी को फंसा रहा है। जितना भी कंटेंट क्रिएशन हो रही है कन्वेंशनल मीडिया पे ड्रामों की शक्ल में, उसमें एक ही नैरेटिव दिया जाता है कि देखें सोसाइटी ने जो देखना है जो है वही दिखा रहे हैं। व्हाई डोंट यू गो विद दिस नैरेटिव कि आप अगर माशरे में सिर्फ बुराई दिखाएंगे तो ऑब्वियसली बुराई प्रमोट होगी, एंड आई एम फर्म बिलीवर कि अगर आप पॉजिटिविटी की बात करें तो आप पॉजिटिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। एंड कन्वेंशनल मीडिया पर तो अल्लाह माफ़ करे, आई सजेस्ट एवरी वन कि आपने अगर केबल लगाई हुई तो उसका कनेक्शन बंद कराएं, फजूल के 250-300 रुपये दे रहे हैं, आज के दौर पर आपके पास इंटरनेट 4G 3G है, उस पर सब कुछ आ जाता है। सो द टेक्नोलॉजी और द प्लेटफॉर्म इज़ नेवर द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ द कॉन्टेंट जो आप लोग खुद बना के चढ़ा रहे हैं। देखिए माशरा तो आपका तब ख़राब होना शुरू हुआ था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई थी, जब बॉर्डर्स खुले और उनका कल्चर इन्फ्लक्स हुआ हमारे माशरे में, तो ऑब्वियसली वी आर एम्बेडेड विद इंडियन कल्चर, वी आर एम्बेडेड विद वेस्टर्न कल्चर। देखें मैं भी जीन्स शर्ट पहनता हूँ, मुझे तो इसमें पहनने में मज़ा आता है, बट रादर देन कंप्लेनिंग कम्प्लीटली आप उनकी अच्छी चीज़ें लेके बुरी चीज़ें छोड़ दो। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सारे यूथ वी गो थ्रू दिस जर्नी कि हम कंटेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं और उसका हम फिर प्रोसेस करते हैं। हम सारे शुरू में जो पहला काम करते हैं वो करते हैं कि यार VPN दो फ्री वाला जो इस्तेमाल कर सकें, जिसपे हम उन साइट्स पर जा सकें जो बंद होती हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर तो मैंने दोस्त ही बनाए, तालीम मैंने सारे यूट्यूब से हासिल की है मोस्टली। 2021 में अगर कोई बंदा ये शिकायत करता है या कंप्लेन करता है कि दैट हाउ डू आई फाइंड पाथ इन माई लाइफ, हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि मेरा पैशन क्या है, तो आई थिंक यू आर स्टिल लिविंग अंडर अ रॉक। आई फाउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑन इंटरनेट, आई फाउंड गोल्डन नगेट्स, जो चीज़ें आपको सिर्फ तब मिलती हैं जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर करके रिसर्च में अच्छे होते हैं। आपके अंदर से यू नो जब इंट्रेंसिक मोटिवेशन आएगी कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी भी अपने लिए कुछ बेहतर करना है और इस वाहियात कॉन्टेंट से निकल के कुछ अच्छा देखना है, तो आप कुछ सीख सकते हैं। इंटरनेट इज़ गिव्स यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन लर्न एब्सोल्युटली एनीथिंग, अगर आपने पियानो बजाना सीखना है वो भी सीखते हैं, अगर आप नाउज़ बिला बम बनाना सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ देयर, राइट? वन थिंग विच पीपल लैक जनरली, यूथ की बात कर रहा हूँ, लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ इस्टीम इशू होते हैं, चार लोगों में बात नहीं कर सकती। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, यू कैन जस्ट इंप्रूव योर सेल्फ। मैंने ज़िंदगी एक साथ गुजारी है और मैं ये दिखा के थकी हूँ। द रीज़न आई शो दीज टिक्स ऑलवेज इज़ कि यार देखें, ठीक है मैं हंस रहा हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ, टोपी पहनी हुई मैंने, बट एक गर्मी भी लगती है, बट द थिंग इज़ कि जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे दैट दिस लाइफ इज़ योर लाइफ, यू हैव चैलेंजेस एंड यू नीड टू स्टेप अप योर गेम, आपको कोशिश करनी पड़ती है। बिलीव मी, आप इंटरनेट पर जाएं, सिर्फ यूट्यूब पे ना ज़िंदगी के 2 साल लगा दें बाय जस्ट सर्चिंग थिंग, जस्ट स्टार्ट विद समथिंग कि यार पहले दुनिया में मुर्गी आई थी, अंडा आया। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त होगी आखिर में, कोशिश करें,
कोशिश करें कि ड्रामों को कम देखें. ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ. अगर आप यूथ हैं, यू नीड टू वैल्यू टाइम. ट्राई टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, बाय क्वेश्चनिंग थिंग्स. यू नो, सिर्फ सवाल करना शुरू कर दें और वहाँ से शुरुआत होगी और आपको अल्लाह ताला आपके मुकाम पे खुद ले जाएगा. एंड आई होप यू लाइक द थॉट्स आई शेयर्ड. अगर आपको कोई चीज़ कमी पेशी लगी हो तो प्लीज़ डू फीडबैक, कमेंट दीजिएगा, हमें बताएं. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. सब्सक्राइब करने से हमें हेल्प होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे सुबह 12 बजे उठाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं लाजमी आऊँगा. एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. दिशांश को मिले को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. कितने मिनट हुआ है? ठीक है ना, कट कुट के हो जाएगा ना. मुझे बहुत गर्मी लग रही है.